कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन। देखिए, एज एवरीबडी नोज दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा नहीं आता है तो नेचुरली आपका जो बाकी का जो पोर्शन होता है वो भी ठीक नहीं हो पाता है। तो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन। इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, आज इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि जिनका कई बार स्टूडेंट्स इनको जो चीज़ बोलनी चाहिए वो तो बोलते नहीं हैं और जो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए वो बोल देते हैं। सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू टीच यू दैट कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बोलनी चाहिए अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त। स्टार्टिंग में देखो, सबसे पहले हमें अपना नाम बताना चाहिए, नेम, ठीक है। उसके बाद आता है अपना एड्रेस, नेम के साथ ही आप अपना एड्रेस जरूर बताएं, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे हमारी आती है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन को भी थर्ड नंबर पे, एक सीरीज वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, तो थर्ड नंबर पे क्वालिफिकेशन हम रखते हैं। देन फोर्थ नंबर पे हम अपनी प्रेजेंट एक्टिविटीज़, कोई भी हम प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं तो वो फोर्थ नंबर पे लिखते हैं। सिर्फ ये चार चीज़ें ही हम अपने इंट्रोडक्शन में बताते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ें बता देते हैं, मैं वो बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स अपनी फैमिली के बारे में बता देते हैं सबसे पहले, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो आपका जो इंटरव्यू ले रहा है या जो आपसे बात कर रहा है, सो फर्स्ट वो आपसे बात कर रहा है और ही इज जस्ट एक्साइटेड और ही इज जस्ट यू नो ही वांट्स टू नो अबाउट यू, नॉट अबाउट योर फैमिली। सो इसलिए अपने बारे में पहले बताइए, ठीक है। तो ये चार चीज़ें मैंने बताई वो, बट हम जो चीज़ें नहीं हमें बोलनी चाहिए वो भी बोल देते हैं, जैसे कि फैमिली के बारे में। फिर सेकंड थिंग, हम अपनी लाइक्स डिसलाइक्स या फिर अपनी हॉबीज़, ये सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है स्टार्टिंग में। हाँ, अगर वो आपसे कहता है या आपको लगता है कि वो आपको सुनना चाहता है तो आप उससे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, जो कि मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताऊँगा। उसके बाद आप अपनी सारी बातें बताइए जो भी बताना चाहते हैं, ठीक है ना। सो स्टार्टिंग करते हैं आज हम अपने नाम के साथ। देखिए प्लीज, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ, प्लीज गिव मी योर प्रॉपर अटेंशन गाइज, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ आप जब स्टडी करते हैं तो अगर आप उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं देंगे सो यू कांट स्टडी दैट थिंग। सो प्लीज गिव मी योर प्रॉपर अटेंशन। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट हमारा आता है नेम। तो नेम लिखने के कितने तरीके होते हैं, सबसे पहले वो देखिए। देखिए आप लोगों को पता है, कुछ लोग आजकल थोड़ा एक मॉडर्न वे में अपना नाम बताते हैं। तो कैसे कैसे बताते हैं, सबसे पहले माय नेम इज, सेकंड आई एम, थर्ड दिस इज, और फोर्थ जो मैंने काफी स्टूडेंट से सुना है बट आई रियली वॉन्ट टू से कि इसको कभी भी यूज मत कीजिए बिकॉज इट्स नॉट अ करेक्ट ग्रामर, माय सेल्फ, इसे कभी भी मत यूज कीजिए। मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि माई सेल्फ बोलिए। इनफैक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट नंबर वाला सबसे ज्यादा यूज करें, माई नेम इज, ये फॉर्मल होता है और यही हमें किसी भी पर्सन के साथ जब हम बातचीत कर रहे होते हैं या इंटरव्यू में होते हैं, सो वी शुड स्पीक माई नेम इज, ओके। आई एम और दिस इज ये भी ठीक है, बट इट शुड बी यूज विद योर फ्रेंड सर्कल, अपने फ्रेंड सर्कल में इनका यूज कीजिए, अदरवाइज माई नेम इज द बेस्ट, ठीक है। तो माई नेम इज अपना नाम बताइए, फिर देन अपना एड्रेस। अब एड्रेस बताने के भी हमारे पास तीन चार तरीके हैं। देखिए गाइस, एड्रेस बताने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं आई लीव एट, जो कि हम ट्रेडिशनली बोलते आ रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं, आई लीव एट। अगर आप आई लीव एट की जगह पे एक नया वर्ड यूज करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई पुट अप एट, आई पुट अप एट, इसका भी सेम मीनिंग है गाइज, ठीक है। थर्ड अगर आप बोलना चाहते हैं सो आई रिसाइड एट, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। फिर अपना एड्रेस बता दीजिए। अब समटाइम्स क्या होता है कि जो आपका एड्रेस है या जहां आप रहते हो, दैट मे नॉट बी द फेमस प्लेस, सो आप लोगों को थोड़ा सा समझाने में अपना एड्रेस दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए अपना एड्रेस बताइए जहां भी आप रहते हैं, उसके साथ साथ कोई लैंडमार्क भी बता दीजिए या फिर कोई नियर बाय प्लेस बता दीजिए। कैसे बताएंगे, जैसे आपने बोला आई पुट अप एट, जो भी आपके गांव का नाम या शहर का नाम है, देन आप बताएं विच इज सिचुएटेड नियर बाय, ठीक है, या फिर जोन से एरिया में आपका
जो प्लेस है वो आता है वो आप बता सकते हैं, जैसे नॉर्थ दिल्ली या फिर साउथ दिल्ली या नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। सो विच इज़ सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, देन थर्ड नंबर पे हम लेते हैं अपना क्वालिफिकेशन को। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको वो बताना है जो आप सबसे हाइयर डिग्री ले चुके हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपने अभी ट्वेल्थ पास ही की है ना, तो ट्वेल्थ पास से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, सो कैसे बोलेंगे, आई हैव पास्ड या फिर कंप्लीटेड, आई हैव पास्ड ट्वेल्थ क्लास। ठीक है, फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, कुछ भी आप बोल सकते हैं जिस बोर्ड से आपने किया है। ठीक है, या फिर आपने इससे हायर डिग्री ले रखी है, सो आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी सबसे ऊंची वाली डिग्री जो है, सबसे जो लास्ट में डिग्री की आपने वो बताएं। ठीक है, जो कंप्लीट कर चुके हैं वही बतानी, और अभी ध्यान रखना है अभी जिसमें आप कर रहे हैं वो नहीं बताना। सो आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, ठीक है, माई मास्टर्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप। देन फोर्थ नंबर पे आता है जो आप अभी कर रहे हैं, प्रेजेंट एक्टिविटीज। इसमें आप क्या यूज करते हैं, इसमें हम बोलते हैं आई एम प्लस वी वन आई एन जी, क्योंकि ये अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान रखें। तो अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल के लिए हम बोलते हैं आई एम स्टडिंग, और कॉलेज या कोई और कोर्स कर रहे हैं तो आई एम परसुइंग। आई एम स्टडिंग स्कूल के लिए, आई एम परसुइंग कॉलेजेस के लिए। ठीक है, और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, मीन्स आप अपनी स्टडी पूरी कर चुके हैं और प्रेजेंट में आप कोई जॉब कर रहे हैं, सो आप बोल सकते हैं प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन दिस दिस कंपनी, एज ए, जिस भी पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं एज ए बोल के उस पोस्ट का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये चार तरीके होते हैं जिनकी मदद से आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत इफेक्टिव और बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पॉइंट आता है हमारा, आपको पहले तो ये चारों ध्यान रखने हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लग रही है ना, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे लिख के ज़रूर पूछा कीजिए कि सर ये चीज कैसे होगी, मैं आपको पर्सनल आंसर दूंगा उसका, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, देन अब आपकी बारी आती है अपनी फैमिली के बारे में बताने की। एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर दैट फैमिली के बारे में आपको अपने आप नहीं बताना, इफ द पर्सन हु इज लिसनिंग यू ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट योर फैमिली देन यू शुड, अदरवाइज यू शुड आस्क हिम अ क्वेश्चन। कैसे पूछेंगे, सर वुड यू लाइक टू नो अबाउट माई पर्सनल डिटेल्स, या वुड यू लाइक टू नो फर्दर अबाउट मी, इस तरीके से आप उनसे एक सवाल पूछिए। अगर वो एक्साइटेड होंगे या इंटरेस्टेड होंगे आपसे बात करने में, तो वो डेफिनेटली आपसे बोलेंगे यस प्लीज प्रोसीड, वो आपसे कहेंगे कि हाँ बताइए, तब आप अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं गाइज। ठीक है, फैमिली के बारे में हम जब बताते हैं, सो बेसिकली ध्यान रखें इसमें हम अपने मेंबर्स के बारे में बताते हैं, फादर मदर के बारे में बताते हैं, पापा क्या करते हैं वो बताते हैं, मम्मी क्या करती हैं वो बताते हैं, देन आपके कितने ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं वो बताते हैं, फिर अपनी लाइक्स डिसलाइक्स सब कुछ इसमें ऐड हो जाता है हमारा, क्योंकि ये हमारी पर्सनल डिटेल्स हो जाती है। मोस्टली हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती बोलने की, जो मैंने चार चीज़ें बोली वही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ये हमें सबके साथ डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि अगर कोई पर्सन आपकी अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहता है, जो जो चीज़ें आपने अचीव की है अपनी लाइफ में, तो उनके लिए भी आप बोल सकते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से आप बोल सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं इन माय स्कूलिंग, जैसे स्कूलिंग में थे आप, तो आप कहते हैं इन माय स्कूलिंग आई गॉट सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल इन क्रिकेट या इन कबड्डी इन खो खो व्हाट एवर मेक लाइक दिस। ठीक है, सो बेसिकली अपनी अचीवमेंट्स भी बता सकते हैं, बट इफ इट इज नेसेसरी पर्सन इज आस्किंग यू देन यू शुड स्पीक, अदरवाइज दीज फोर थिंग्स वट एवर आई हैव टॉट यू दीज आर द मैंडेटरी थिंग्स, आपको इनको याद रखना है और सामने वाले से बड़े कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है गाइज, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लगती है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और नए नए पॉइंट्स नई नई वीडियोस आप लोगों के लिए बना पाऊँ। आप लोगों के लाइक से और कमेंट से मोटिवेशन मिलती है गाइज, सो दैट आई मे यू नो मेक फर्दर वीडियोस। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स एंड शेयर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड।